हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, आप लोगों की मैक्सिमम रिक्वेस्ट आई थी पार्ट टू में कि सर आप हमें डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कॉन्सेप्ट समझाइए। ठीक है, उसमें जैसे फॉल्स वेट यूज करता है, अब देखो इसमें कंडीशन क्या बनती है। जब वो परचेज करता है कॉस्ट प्राइस पे तब वो फॉल्स वेट यूज करता है, जब वो सेल करता है सेलिंग प्राइस पे तब भी फॉल्स वेट यूज करता है, प्लस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी क्वेश्चन में कंडीशन मेंशन हो, तो तीन से चार कंडीशन बन जाती है। बात समझ लो। अब क्या होता है, एसबीआई पीओ प्री में देना है उसे तो दो कंडीशन दे देगा, और मेंस में देना है तो हो सकता है आपको चार कंडीशन दे दे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा ना, तो आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। देखो इसमें मैं बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, यकीन मानो विद इन 30 सेकंड आप क्वेश्चन कर सकते हो, कितना ही टफ हो। इवन कैट का क्वेश्चन भी आप कर लोगे 30 सेकंड में। तो मैं यही कहूंगा, एसबीआई पीओ अगर आप टारगेट कर रहे हो तो ये सीरीज आपको बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये, टू वे कम्युनिकेशन रखोगे तो बेनिफिट आपका है। टू वे कम्युनिकेशन मतलब क्या, देखो लास्ट पार्ट में हमने इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन करे थे, एंड टाइम्स वाले क्वेश्चन करे थे कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो मैक्सिमम लोगों ने जो कमेंट करा था वो डिसऑनर शॉपकीपर का करा था, इसे इस पार्ट में प्रॉब्लम है या इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, हमने इसे पिक करा जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। और अपना फीडबैक जरूर शेयर करो, आपको ये सीरीज कैसी लगी। हाँ, आपको लग रहा है कुछ अलग आपको मिल रहा है कि नहीं, इसमें मैं आपको सिंगल फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, मेरी बात समझो। सब चीजें कॉन्सेप्ट से लेके चल रहे हैं हम, ऐसा नहीं है मैं आपको कुछ याद करने के लिए कह रहा हूँ। याद करने के लिए कभी कुछ नहीं कहेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, फिर हम एडवांस क्वेश्चन तक करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम पहले ना। क्वेश्चन नंबर 1 को और 2 को ध्यान से समझिएगा, बेसिक क्वेश्चन है, उसके बाद हम जो एग्जाम लेवल क्वेश्चन है मेंस तक के वो क्वेश्चन देख लेंगे। अ डिसऑनर शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल राइस एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बट यूजेस अ 950 ग्राम वेट फॉर 1000 ग्राम्स और 1 kg, एक ही बात है। फाइंड इस प्रॉफिट परसेंट। सबसे पहले बस इतना समझ लो, जो प्रॉफिट हो सकता है उसे दो तरीकों से हो सकता है। कैसे? एक तो उसे क्वांटिटी के टर्म्स में प्रॉफिट हो सकता है जब वो फॉल्स वेट यूज कर रहा है, जैसे इस केस में यूज कर रहा है, और दूसरा उसे मॉनेटरी टर्म्स में प्रॉफिट हो सकता है ना, जब वो कॉस्ट प्राइस पे एक्स्ट्रा अपना प्रॉफिट कमा ले। क्लियर है? तो दो तरीकों से प्रॉफिट हो सकता है। इस केस में वो कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहा है, यानी मॉनेटरी टर्म्स में कोई प्रॉफिट नहीं है, जो प्रॉफिट है वो क्वांटिटी के टर्म्स में ही है, ठीक है। और हर बार आपको क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है एसपी टू सीपी, क्योंकि हम इसी से कंपेयर करेंगे, हमारा बेस प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो आपने देखा भाई कस्टमर से वो कितने रुपीज का, कितने ग्राम्स का पे ले रहा है, 1000 ग्राम्स का, जबकि एक्चुअल में कितना दे रहा है, 950 ग्राम्स। एक्चुअल में कितना सेल कर रहा है, 950 ग्राम्स, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये बात समझ में आई होगी, बहुत बेसिक बात है। तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ क्वांटिटी के टर्म्स में, उसे कितना प्रॉफिट हुआ सीधे सीधे 50 ग्राम्स का, उसे प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, ये उसका प्योर प्रॉफिट है। और प्रॉफिट परसेंट की अगर मैं बात करूंगा, आपको पता ही है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। बताए क्लियर है कि नहीं है? तो ये हमारा गया सीधा सीधा 100/19% इज योर प्रॉफिट परसेंट, क्लियर है। अब इसी की जगह 950 की जगह सपोज 900 ग्राम्स होता, नेक्स्ट क्वेश्चन यही हो गया। तो देखो रेशियो कैसे निकलता, तो क्या करता है, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ 1000 ग्राम अपॉन कितने के लिए वो पे कर रहा है, कितने ग्राम्स के लिए वो पे कर रहा है, अपॉन कितना होगा 900 ग्राम्स। बताइए क्लियर है? तो प्रॉफिट उसे सीधा सीधा कितना हुआ 100 ग्राम्स का, अपॉन सीपी कितना है 900 ग्राम्स इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया इस केस में 100/9%, क्लियर है। अब थोड़ा इसका ही एडवांस क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट केस में देखेंगे क्या बोल रहा है। अ डिसऑनर शॉपकीपर एट द टाइम ऑफ सेलिंग वेट्स 10% लेस, ठीक है, जब वो बेचता है सेल करता है तो 10% लेस वेट कर रहा है, यानी फॉल्स वेट यूज करता है ना। एट द टाइम ऑफ परचेजिंग वेट्स 20% मोर, मतलब जब खुद परचेज कर रहा है तो एक्स्ट्रा ले लेता है, क्लियर है। फाइंड इस प्रॉफिट परसेंट, लॉस तो हो गई नहीं ना इस केस में, अज्यूमिंग ही सेल्स एट कॉस्ट प्राइस। देख लो इस केस में भी मॉनेटरी टर्म्स में प्रॉफिट नहीं हो रहा, उसे क्वांटिटी के टर्म्स में प्रॉफिट हो रहा है। तो सिंपल आप रेशियो निकालोगे सेलिंग प्राइस इज टू कॉस्ट प्राइस का, सिंपल बात है कि नहीं भाई? कैसे? अब परसेंट के फॉर्म में बात हो रही है तो बेस क्या होगा आपका 100, बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक बात है, पता होगा 100 यूनिट से ही आपको कंपेरिजन करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे जब वो परचेज करता है, उसके बाद बात करेंगे जब वो सेल करता है, यही है। जब वो परचेस कर रहा है सपोज 100 यूनिट्स वो परचेस करने गया, जबकि एक्चुअल में उसने कितना परचेस करा 20% मोर वेट है ना पर केजी,
100 ग्राम्स पे या 1000 ग्राम्स पे कितना एक्स्ट्रा ले रहा है? 20% मोर, यानी 1200 मोर या 120। जब मैं 100 से कंपेयर करूँ तो 100 का 20% कितना होगा? 20, ये हो गया। अब जब वो सेल कर रहा है तो कस्टमर को क्या बोल रहा है कि सर मैं आपको 100 ग्राम्स वेट कर रहा हूँ, जबकि एक्चुअल वेट कितना है? 10% लेस, 90 ग्राम्स का। तो 10% इस तरीके से हुआ, ये बात है समझने वाली। जैसे हमने ऊपर करा था, इधर हम 10% इसका देख रहे हैं 100 का। इज इट क्लियर? तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 से कैंसिल कर देते, कितना हो जाएगा? 4/3। प्रॉफिट कितना हो रहा है? +1 का, बिकॉज दिस इज सेलिंग प्राइस एंड दिस इज कॉस्ट प्राइस। योर प्रॉफिट परसेंटेज 1/3, विच इज 33.33%। इज इट क्लियर? ये बात है समझने वाली। ठीक है, अब आपको बहुत बेसिक बातें क्लियर हो गई है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, हमारे मतलब मेन क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। अ डिसऑनर शॉपकीपर मार्क अप द प्राइस ऑफ प्राइस बाय 20%। सेलिंग प्राइस लिखो इधर और इधर लिखो कॉस्ट प्राइस, और मैं आपको इधर भी समझा दूंगा अलग अलग। सब में इधर सीपी है, इधर एसपी है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, मार्कअप कर रहा है, यानी 100 का है तो कितने में सेल कर रहा है? 120, यानी आप लिख दो 120/100। क्लियर है? नेक्स्ट, एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 80%। ये बोलता है कि सब मैं 100 पे कर रहा हूँ, मगर आपको 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 80। तो अब कितना आएगा सेलिंग प्राइस में? 80/100, बताइए। क्लियर है? इनटू क्या होगा? एंड व्हाइल परचेजिंग फ्रॉम होलसेलर ही टेक्स 25% मोर क्वांटिटी, यानी अब उसे प्रॉफिट हो रहा है ना, यानी 100 ग्राम्स 100 यूनिट्स वो परचेज कर रहा है, उसे प्रॉफिट कितना होता है? 125, 25% का प्रॉफिट हो रहा है इधर। तो यानी क्या होगा? 125/100 इनटू, एंड व्हाइल सेलिंग ही गिव्स 20% लेस क्वांटिटी, यानी कस्टमर से क्या बोलता है कि मैं आपको 100% 100 यूनिट्स दे रहा हूँ, जबकि एक्चुअल में कितना दे रहा होगा? 80, 80 यूनिट्स दे रहा होगा कि नहीं? यही है कि नहीं, बताए। तो उसे प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 20% का। देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 25 से कैंसिल कर देते हैं, 5 टाइम्स, 25 से 4 टाइम्स, 4 से कैंसिल हमारा 3 टाइम्स, कितना आ गया? 5 से कैंसिल 2 टाइम्स, 3/2 रेशियो। प्रॉफिट हो रहा है +1 का, यानी 1/2, विच इज प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? 50%। इसी को बोलते हैं हम चेन रूल। समझ में आ गया चेन रूल क्या होता है? विदाउट एक्स हो गया, बस आपको इधर समझना ये था, इधर हमने 100/80 क्यों करा, इधर हमने 125/100 क्यों करा, बताइए। क्लियर है? ऑप्शन सी हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है मेंस लेवल का, ठीक है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। पिछला जो क्वेश्चन था आप प्री लेवल में कंसिडर कर सकते हैं उसे। डिसऑनेस्ट सेल्समैन बायस एक्स परसेंट मोर ग्रेन्स देन व्हाट ही पेज फॉर। सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस करो, यानी 100 रुपीज का अगर पे कर रहा है, 100+X वो परचेज कर लेता है, इधर उसका प्रॉफिट इन टू, एंड ही यूजेस काउंटर फीट वेट विच मेजर्स 800 ग्राम्स फॉर एवरी 1000 ग्राम्स। जब वो परचेज कर रहा है ना, परचेज में मैंने आपको क्या बताया, इधर 800 ग्राम्स है और सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1000 ग्राम्स का, यानी 200 ग्राम्स का ही तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, बताओ कि नहीं? ये बात क्लियर है? सीधा सीधा कॉस्ट प्राइस वो पे कर रहा है 800 ग्राम्स की, जो 200 ग्राम्स का प्रॉफिट हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस दे रहा है वो 1000 ग्राम्स। इन टू, इफ ही सेल्स द आइटम एट 10% अबव द कॉस्ट प्राइस। 10% अबव कॉस्ट प्राइस, यानी सीधा सीधा 100% के ऊपर +10% कर दो। अगर ऐसा करता है देन ही कैन अर्न अ ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 65%। तो उसे ओवरऑल प्रॉफिट कितना होता है? 65%, विच इज 165/100, बताए। क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। देखो कैंसिल करो, 4 0 से 4 0 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल इधर। ठीक है, तो आप पे इधर क्या बचा? 100+X इन टू 11/8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 165। ये कैंसिल हो जाएगा, 15 टाइम्स 15 इंटू 8 विल गिव यू 120। 100+X
इक्वल्स टू 120, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई था 20%। बताए, इससे इजी मेथड आपको नहीं मिलेगा अगर आपको चेन रूल, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हो इस पे और क्वेश्चन कराऊं मैं, जिससे और क्लैरिटी मिले, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, मुझे बताइएगा आपको चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो आज इस सेशन में इतने ही रखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपना टॉपिक जरूर कमेंट करिएगा जो नेक्स्ट टॉपिक हमें लेना है। और आप चाहते हैं इस टॉपिक पे और क्वेश्चंस मैं लेके आऊँ, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।